गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स. दे आर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड आर्किटेक्चर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेटवर्क टॉपोलॉजीज. सी, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टॉपोलॉजीज. व्हाट डज इट मीन? जो हम नोड्स को, जो हम कंप्यूटर सिस्टम को एक नेटवर्क में जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो अलग अलग पैटर्न में हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस पैटर्न को बोला जाता है टॉपोलॉजी. द सिलेक्शन ऑफ अ टॉपोलॉजी फॉर अ नेटवर्क कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन एज इट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ मीडिया एंड द एक्सेस ऑफ मेथड ऑफ यूज. मीन्स हम उस को कैसे सिलेक्ट करें, कौन सी टॉपोलॉजी को यूज़ कर रही है, बार बार हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं. इट अफेक्ट्स द मीडिया एंड द एक्सेस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर्ड इन मेकिंग द चॉइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच आर सेट आउट बिलो. मतलब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वाइल यूजिंग अ पैटर्न, वाइल यूजिंग अ टॉपोलॉजी. तो सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट. फॉर अ नेटवर्क टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, वन वुड ट्राई टू मिनिमाइज इंस्टॉलेशन कॉस्ट. दिस मे बी अचीव्ड बाय यूजिंग वेल अंडरस्टूड मीडिया एंड ऑल्सो टू अ लेज़र एक्सटेंड बाय द मिनिमाइजिंग द बाय मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस इन्वॉल्व. What does it means? देखिए, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, हमें अपने कॉस्ट को भी, कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम से कम पैसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएँ. अगर हम बहुत बड़ा रूम लेंगे तो हमें वायर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, अदर डिवाइसेस की, कनेक्टिंग डिवाइसेस की यूज़ करना पड़ेगा. सिस्टम को अरेंज करते समय हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कंप्यूटर कहाँ अटैच होगा, उससे कौन सी डिवाइस कब कहाँ से अटैच होगी. तो ये अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे कॉस्ट फैक्टर को अफेक्ट पड़ेगा. सो दिस मे बी अचीव्ड बाई यूजिंग वेल अंडरस्टूड मीडिया एंड ऑल्सो टू बी लेजर एक्सटेंड बाई मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस इन्वॉल्व. मीन्स हमें कम जगह पे ज़्यादा सिस्टम्स को अटैच करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट फैक्टर को अफेक्ट ना पड़े. कॉस्ट फैक्टर मतलब कॉस्ट, पैसे कम लगें और वर्क ज़्यादा हो. सेकेंड वन इज फ्लैक्सीबिलिटी. Because the arrangement of furniture, internal walls, etc. in offices is often subject to change, the topology should allow for easy reconfigurations of the network. This involves moving existing nodes and adding new ones. See, flexibility means it should be very flexible, easy to use. क्योंकि जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं हमारे ऑफिसेज में, हमारे बैंक्स में, हमारे स्कूल्स में, वहाँ पे वॉल्स होते हैं, वहाँ पे फर्नीचर होता है, तो इट शुड बी अरेंज सच ए वे दैट इट कैन बी यूज वेरी इजीली. दिस इन्वॉल्व्स मूविंग एक्सिस्टिंग नोड्स एंड एडिंग न्यू नोड्स. मतलब हम जो नोड्स हैं उनको तो जोड़ रहे हैं, उनके साथ साथ और नए कंप्यूटर सिस्टम भी अटैच किए जा सकते हैं. सपोज़ एक ऑफिस है, आज शुरू हुआ है, उसमें 5 कंप्यूटर सिस्टम है. फ्यूचर में ये होगा कि हमने 5 कंप्यूटर और सिस्टम लेके आए. तो इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल कि हम कंप्यूटर सिस्टम को कैसे अटैच करें कि हम उसमें नए कंप्यूटर सिस्टम को ऐड कर पाएँ. रिलायबिलिटी. फेलियर इन द नेटवर्क कैन टेक टू फॉर्म्स. फर्स्टली एन इंडिविजुअल नोड कैन माल फंक्शंस. मीन्स इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी वेरी ट्रस्टेबल. मतलब अगर नेटवर्क में कोई खराबी हुई, फेलियर इन द नेटवर्क कैन टेक टू फॉर्म्स. फर्स्टली द इन्वॉल्व नोड्स कैन माल फंक्शन. मतलब नोड यानी कंप्यूटर सिस्टम खराब हो सकते हैं. दिस इज
not nearly as serious as second type of fault where the network itself fails. मतलब कोई एक सिस्टम खराब हो रहा है then it's okay, चलो एक खराब हुआ, लेकिन अगर पूरा का पूरा नेटवर्क खराब होता है, पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो कनेक्टेड है जिस टॉपोलॉजी में वो खराब होती है तो हमारा वर्क भी अफेक्ट होता है. द टॉपोलॉजी चूजन फॉर द नेटवर्क कैन help by allowing the location of fault to be detected and provide some means of isolating it. Means इस तरीके से टॉपोलॉजी होनी चाहिए, इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम का कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ खराबी है, कौन सा नोड खराब हुआ है, वो हम ईजिली उसे सर्च कर पाएँ. Now different types of network topology. अभी हमने ये पढ़ा कि topology क्या है, अब उसके भी types हैं. In networking, the term topology refers to the layout of connected devices to a network. मतलब किस तरीके से computer system आपस में connected है ये हमें बताता है topology. The arrangements of computer system is can be seen with the help of topologies. There are different types of topologies. One can think of a topology as a network's virtual shape or structure. This shape does not necessarily corresponds to the actual physical layout of the device on the network. किस तरीके से devices connected हैं physically, मतलब हमें दिख कैसा रहा है, layout कैसा है, कहाँ पर कौन सा system रखा है. For example, the computer on a home LAN may be arranged in a circle of a family room, but it would be highly unlikely to find an actual ring topology there. Means हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, घर पे कंप्यूटर सिस्टम दो या तीन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे एक रिंग में, एक गोले में रख लें. क्यों? अगर हम गोले में रखेंगे तो वहाँ स्पेस ज़्यादा लगेगी, तो हम ऐसा अपने घरों में नहीं कर सकते. तो कैसी टॉपोलॉजी कहाँ यूज़ करनी है, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सब हम अभी देखेंगे. नेटवर्क टॉपोलॉजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग बेसिक टाइप्स: बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश. सो देयर आर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी: बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश. More complex networks can be built as hybrids of two or more of the above basic topologies. दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम या दो से अधिक टॉपोलॉजीज़ को यूज़ करके भी अगर हम कंप्यूटर्स को अटैच कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो वो कहलाई जाएगी हाइब्रिड, यानी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन. ना पॉइंट टू पॉइंट या टॉपोलॉजी हमने अभी पहले भी पढ़ी है. पॉइंट टू पॉइंट यानी एक पीसी से दूसरा पीसी कनेक्टेड है, एक पीसी से दूसरा पीसी कनेक्टेड है, माने कि सी ये कंप्यूटर सिस्टम वन, ये कंप्यूटर सिस्टम टू, ये आपस में कनेक्टेड है, ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, यानी एक्स डेटा को सेंड कर रहा है, वाई भी सेंड कर रहा है. यहाँ पे वाई रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है, और सेम एक्स एक ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है. सो दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी, कनेक्ट्स टू नोड्स डायरेक्टली टुगेदर. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर प्योर पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, लिंक के थ्रू. लिंक मीन्स ऐसा एक एरो, जब हम ऐसे एरो के शो से कुछ बताते हैं तो इट मीन्स वी आर पॉइंटिंग ऑन समथिंग. टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेट वाया मॉडेम्स. मॉडेम एक कनेक्टिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा एंड इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपोलॉजी दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज स्टार टॉपोलॉजी. इन स्टार ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब, राउटर और स्विचिंग यूजिंग unshielded twisted pair or shielded twisted pair cables. Shielded and unshielded twisted pair cables एक अलग टॉपिक है, जिसमें आपने देखा होगा आपने घरों में वायर्स होते हैं वो शील्डेड, यानी येलो कलर, ब्लू कलर, अंदर कॉपर वायर्स रहते हैं, तो वो शील्डेड है. और एक होता है अनशील्डेड जिसमें कवर नहीं रहता.
In a star topology, we require more connecting devices like router cables, unlike the bus topologies where entire network is supported by single backbone. So, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो बीच में रहता है उससे ही पूरे कंप्यूटर सिस्टम अटैच रहते हैं. सी एक कंप्यूटर सिस्टम जो मेरा मेन हब है उससे हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम अटैच रहते हैं कुछ ऐसे. सो दिस इज अ हब एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. This shows a star topology. इसको क्या कहा जाता है? Star topology. ये bus topology के जैसा नहीं होता है, backbone जैसा नहीं होता है. The most practical point of star topology success is that the entire network does not go down in case of failure of computers or cables or devices. मतलब अगर एक कोई system ख़राब होता है तो दूसरे पूरे computer system पे कोई effect नहीं पड़ता, नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता. डज नॉट गो डाउन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ कंप्यूटर और केबल. उस केबल में और उस कंप्यूटर में कुछ खराबी है, देन इट्स ओके, बाकी नेटवर्क्स और बाकी कंप्यूटर सिस्टम तो वर्क करेंगे. इट विल ओनली अफेक्ट द कंप्यूटर हुज वायर फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल वर्किंग फाइन. बाकी सारा नेटवर्क अच्छे से वर्क करेगा. स्टार टोपोलॉजी इज वाइडली यूज इन होम्स, ऑफिसेस एंड बिल्डिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियल सक्सेस. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा घरों में और बिल्डिंग्स या ऑफिसेस में यूज होता है. स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस, इट इज़ ईजी टू एड डिवाइसेस एज ए नेटवर्क एक्सपेंड. हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम ऐड कर सकते हैं. वन केबल फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क. पूरा कंप्यूटर सिस्टम अगर एक कोई ख़राब हुआ है तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट नहीं होता है. हब प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. अगर हब है तो वो पूरा मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को, सारे कंप्यूटर सिस्टम को, नोट्स को. ईजी टू फाइंड डिवाइसेज एंड केबल प्रॉब्लम्स. बहुत ही जल्दी हम डेटा और इन्फॉर्मेशन, जहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है मतलब उस कंप्यूटर सिस्टम में खराबी है, बाकी सब में नहीं है, तो हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम में खराबी है. कैन बी अपग्रेडेड टू फास्टर स्पीड. बहुत ही जल्दी स्पीड भी हमारी इंक्रीज करता है. लॉस्ट ऑफ सपोर्ट एज इट इज़ द मोस्ट यूज. सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है, सपोर्ट कम मिलता है. डिसएडवांटेजेस भी होते हैं स्टार टोपोलॉजी के. स्टार नेटवर्क रिक्वायर मोर केबल्स देन अ रिंग और बस नेटवर्क. इसमें हम ज़्यादा केबल वायर्स का यूज़ करते हैं. अगर हम केबल वायर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मतलब हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है. फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब कैन ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क. अगर कोई एक सेंट्रल हब, हमारे कोई एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम खराब होगा तो कोई नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर सेंट्रल हब खराब होगा तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा. कॉस्ट आर हाईली इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट देन फॉर मोस्ट बस नेटवर्क.